अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू ऑल आर डूइंग प्रीटी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आप लोगों की दुआएं यार, बड़ी देर बाद मुझे याद आ गया कि यार एक हल्का फुल्का यूट्यूब चैनल मैंने भी बनाया। सीन ये हैं कि आप देख रहे हो कि मैं तैयार हुआ हूँ, मैंने ये ब्राउन कपड़े पहने, इसके ऊपर ये रेड कोट पहना है और ये मैं तैयार हुआ हूँ। सीन ये हैं कि यार मैं वी चैट के ऊपर, क्योंकि मैं चाइना में हूँ आप लोगों को पता है, तो मैं अपने वी चैट के ऊपर अक्सर एक वीडियो देखता था राजा भाई के नाम से, एक यहाँ पे शिंगजान में लोकल उइगुर हैं, प्रॉपर वो उइगुर हैं और प्रॉपर चाइनीज़ हैं। मैं उनकी वीडियोस देखता था काफ़ी ज़्यादा, कि वो उर्दू में हिंदी में गाने गा रहे हैं, इंडियन सॉन्ग्स गा रहे हैं, पाकिस्तानी सॉन्ग्स गा रहे हैं, पंजाबी सॉन्ग्स गा रहे हैं इवन के। तो मेरे दिल में बड़ी यार वो एक था कि यार, मतलब ऑब्वियसली बात है कि जब आप परदेश में होते हो तो आप कहते हो कि यार हाँ अपना कोई बंदा मिल जाए तो आपको बहुत खुशी होती है, और उसके बाद गाने गा रहा और इस तरह के मामलात हो तो आप बंदा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, यार मेरे बालों को इग्नोर करना। अच्छा तो सीन ये कि मैंने काफ़ी वीडियोस देखी उनकी, तो मैंने कहा कि यार जाएंगे किस दिन। काफ़ी ज़्यादा काफ़ी देर से प्लान बन रहा था लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि स्टडीज चल रही हैं, सारे मामला चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिड में चीज़ें, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सब कुछ एवन है, फिटफाट है। आज दिन आ गए यार, आज सीन ये है कि बस मैं तैयार श्यार हो गया हूँ, बस दोस्त हैं उनके साथ बस निकलना है अब, और आगे काफ़ी लेट हो गए हैं, 6:30 तक इंशाल्लाह ताला वो हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। बस तैयार श्यार मैं हो गया हूँ, फिट फाट हो गया हूँ, बस अब निकलते हैं और आप लोगों को भी उन भाई से मिलवाते हैं, राजा भाई से, और उनके गाने शाने सुनवाते हैं और वहाँ पे मतलब आज का जो डे है हमारा वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, बाकी आओ और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यार ये लॉक शॉक लगाते हैं और निकलते हैं अपने सफ़र पे। मुझे लिटरली चादर लेनी पड़ी है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बस अब चादर लेंगे और निकलते हैं। यार आप आज का वेदर चेक करो, आज हवा भी बहुत ठंडी चल रही है और मैंने पाकिस्तानी क्लोथ्स अपने पहने हुए, लेकिन यह है कि बचत हो रही है थोड़ी सी क्योंकि मैंने चादर पहनी हुई है और चादर के साथ ऊपर मतलब ये रेड कलर का ये वाला मैंने कोट भी पहना हुआ है। तो एनी हाउ बस अब चलते हैं और फिर आपसे मुलाकात, फिर आप लोगों को सीन्स दिखाते हैं वहाँ पे। अभी सारे लोग मुझे देख रहे हैं कि भाई मैंने कौन से कपड़े पहने हैं कौन से नहीं पहने, और थोड़ी बहुत ही शर्म आ जाती है मुझे कि ऐसे लोग देखते हैं। तो एनी हो आपको सीन चेक करवाते हैं। यार तो हम पहुंच गए हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं है हमें कि कौन सा है। एंट्रेंस जो है वो इस साइड से है, ठीक है, और यहाँ पे सारे उइगुर रेस्टोरेंट ही हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन सा है, लेकिन अभी देखते हैं। चेक करो यार ये कौन है, ये सुलेमान लग रहा है मुझे, मेरा भाई मछली पकाने वाला। बाकी दिल हुजूर रेस्टोरेंट उइगुर्स का और रोमानो, ये बहरहाल अभी चेक करते हैं कौन सा है, आपको सीन्स वीन्स चेक करवाते हैं। ये चेक करो, ये मुझे अपने ना पिंडी में सदर की याद आ गई है, जिस तरह सदर में नहीं जगह होती, बहुत प्यारी जगह है। ये चेक करें, यहाँ पे इन लोगों ने ये कावे का वो जो होता है, और ये लव बर्ड्स और चेयर्स चेक करो, मेरी अम्मी होती तो वो कहती हैं भाईजान प्यारी हैं। एनी हाउ चेक करें, खूबसूरत चीज़ें हैं, मतलब ये सारी ऐसी जगह है कि यहाँ पे मतलब कमर्शियल एक वो एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे आप खाना शाना खा सकते हो, शो वो दे सकते हो। पीछे से मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो
अभी पहुंचते हैं यार, तो आपको चक्कर आते हैं। हम लोग पहुंच तो गए हैं, रेस्टोरेंट जो है वो ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे अंदर आपको दिखाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे सीन है कि यहाँ पे ये एक कपल नजर आया जो अभी शादी करेगा, शादी क्या और मतलब शादी होएगी उन लोगों की, ये सीन है। और ये बाहर आप देख रहे हो मिस आदिला, कोई रेस्टोरेंट आएगा। बाकी यार जगह बहुत मज़े की है, बहुत प्यारी जगह है। और यह है कि मैं भी तैयार शायद हुआ हूँ, शादी वाला माहौल बना रहा। बाकी ये सीन है। तो यार जब शुरू हो गए ना सारे मामला, तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या मामला है क्या मामला नहीं है, ठीक है। रेस्टोरेंट है ये, एंट्रेंस इसकी कुछ इस तरीके से, आप जैसे ही रेस्टोरेंट में आप आते हो राइट साइड पे आपको इस तरह का कुछ सीन मिलता है, लेफ्ट साइड पे आपको ये एक काउंटर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे सिटिंग एरिया है कैक्शमो, और इस साइड पे आपको थोड़ी मतलब ये हमारे यूज़ की नहीं है चीज़ें, यहाँ पर आपको वाइन्स वगैरह मिलेंगी, आपको शीशा वगैरह मिलेगा, ये सारी चीज़ें एक्शमो, और ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं, ठीक है। तो ये सीन्स है, बहुत प्यारा थीम है यार ऊपर से। और बैठने की जगह कुछ ऐसे है, हम लोगों ने अपना टेबल ऑलरेडी रिजर्व करवाया हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल अब वो सारे वहाँ पे दोस्त यार बैठे हुए हैं ऐसे, तो बहरहाल अभी इतना रश नहीं, ये स्टेज है, ठीक है। मेरा दिल है कि यार हम लोग अपना टेबल चेंज करके वहाँ से यहाँ पे कहीं पे ले आए, ताकि हम लोगों को नज़र भी आ जाए। तो लेट्स सी। दो दिन पहले हमारा एक दो छोर पाकिस्तानी और इंडियन एक स्टूडेंट लोग भी आए, उन्होंने दिखाया सर, नासिर, हाँ 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 उनको मैं जानता हूँ सर, वो लोग आया, वो भी हमारी यूनिवर्सिटी से ही है। हाँ ठीक है, उस वक्त मैं भी आपने बोला आया था, फिर इधर आ जाओ, इधर से एक भी 10-15 बंदे के लिए टेबल हम बनाएगा, अच्छा सिर्फ आपके लिए, ये दो मुझ लेके आ जाओ, इधर से बिल्कुल हमने इन्वाइट कर दिया। आप नेक्स्ट टाइम आप वापस आ जाओ काशगढ़ से, तो उसके बाद यह कि हम दें, उसके बाद हम एक है कि शूट करेंगे एक वीडियो। हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू आवर लासिरा इंग्लिश हम्बा म्यूजिक रेस्टोरेंट, सो प्लीज tell me something about this restaurant and how did you find this place, urdu mein bolo. All right, to maine basically WeChat mein dekha tha kafi zyada, videos aapki dekhi thi, aap indian mein aap gana gaate the, urdu language mein gana gaate the, to maine kaha ki yaar शिंगजान के अंदर एक उइगुर कैसे उर्दू में गाना गा सकते हो, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, इस वजह से मैंने देखा पीछे तो ये आप लोग स्कूल वाला का स्कूल में थे ना? जी बिल्कुल, ये हमारा एक चाइनीज भी ग्रह है, उसका भी दे रहा ना, ये मन से मैं चौदह चो लिए लाया था, वो चलिए तो हुआ जी से मैं आ रहा हूँ, after just I tried to study, but also I'm very like this Indian, this older language, because of this film, movies and the songs. So that's why. But the once I saw your video while speaking Urdu, I was like very shocked, man. How that person can speak? अभी भूल गया भाई जान, मैंने बहुत ज़्यादा जनता था पहले, अभी भूल गया ना कितना साल हमने इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन अभी भी आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, इस वजह से मैं अभी एक सिंगर हो गया, आपकी आवाज़ भी अच्छी है। बाकी कब आप शुरू करेंगे? तो ये जाना सनम।
है हमारा वो कुछ में